जय सियाराम साथियों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और ये व्लॉग मेरे दिल के बहुत ही करीब होने वाला है, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा इलेक्शंस आ रहे हैं और अभी फिलहाल हमारी कांग्रेस की सरकार है। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर हमारे मानसरोवर में, जो मेरे पापा का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से पिछली बार मेरे पापा ने MLA का इलेक्शन लड़ा था और इस बार भी लड़ने वाले हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारा कांग्रेस कार्यालय बनने जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे किस प्रकार वहाँ पर बड़े बड़े नेता है, राहुल गांधी जी आए, सचिन पायलट जी आए, गहलोत जी आए और भी काफ़ी सारे कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ पर उपस्थित रहे और मेरे पापा ने अपनी जिम्मेदारी को वहाँ पर बखूबी निभाया और वो और उनके सारे समर्थक भी वहाँ पर मौजूद रहे। तो आप इस व्लॉग को पूरा ज़रूर से देखना और आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और अपने व्यूज़ भी ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना और ये भी बताना कि आपको पुष्पेंद्र भारद्वाज जी किस प्रकार के इंसान लगते हैं। भाई आज अपने सांगानेर की इस पवित्र धरा पर अपने कांग्रेस के माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी पधार रहे हैं, तो हम उनको एयरपोर्ट पे स्वागत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, एयरपोर्ट पे स्वागत करने जा रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार हम सारे भाई जा रहे हैं और तैयार भी हो रखे हैं सुबह सुबह। बाबा, मैं एक और चीज पूछ रहा था कि सुबह जैसे 5 बजे अभी अपन लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो अपने और भी नेता मिलेंगे या सिर्फ अपन को ही बुलाया गया है एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने के लिए? मुख्य रूप से अपने को ही बुलाया गया है। अच्छा, और क्योंकि हम हमेशा आगे रहते हैं, हमारे सांगानेर विधानसभा में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी निर्देश था कि आपको सांगानेर से दलबल के साथ में आना है। चलो समझ गया मैं। तो देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सबसे पहले जाने आए हैं दर्शन भाई, तो बढ़िया बात है। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है पापा के लिए भी और हमारे लिए भी कि अपन लोग जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि हमारे सांगनेर के मानसरोवर के अंदर ही एक नया कांग्रेस कार्यालय बनने जा रहा है। ठीक है, आज तक यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय नहीं था हमारे सांगनेर के अंदर, लेकिन अब बनने जा रहे हैं। तो अब तो सांगनेर के जो काम है वो और भी जल्दी हो पाएंगे, क्योंकि जो है सबसे पास आ गया, सांगनेर के अंदर ही आ गया कांग्रेस का कार्यालय। तो आने वाले समय के अंदर पापा जीतेंगे बिल्कुल, और जब पापा जीतेंगे तो कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो और ज्यादा आसानी से होंगे, तो डेवलपमेंट के अंदर पापा को बहुत आसानी आने वाली है। पापा, जैसे क्या क्या फायदा होगा अपन लोगों को जब सांगनेर के अंदर ही अपना बनने वाला है कांग्रेस कार्यालय, इससे क्या क्या बेनिफिट है? आम जनता को सबसे बड़ा बेनिफिट है, आम जनता वहाँ आया करेगी, उनकी जन सुनवाई होगी, उनकी समस्याओं पर त्वरित गति से काम होंगे, अधिकारियों को फोन किए जाएंगे। टोटल मिला के सबसे बड़ा फायदा सांगनेर विधानसभा की जनता को होने जा रहा है। और आज जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं वो भी इसी उपलक्ष में आ रहे हैं ना? हाँ, आज शिलान्यास होगा भवन का और 1 साल के अंदर भवन बन के तैयार होगा। 1 साल में बन जाएगा जी? चलो, ये तो बहुत ही शानदार बात है। मतलब पापा जब विधायक बनेंगे उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वहाँ पे बन के तैयार हो चुका होगा कांग्रेस कार्यालय। तो बहुत ही खुशी की बात है, तो बहुत ही मजा आने वाला है आने वाले समय के अंदर। तो अभी तो तुरंत अपन पहुँचने वाले हैं, एयरपोर्ट के एकदम पास में ही आ गए हैं। पापा का फोन भी बजना चालू हो गया है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ मेरी सारी खामियों पे, पर मैं मारेंगे ताली मेरी कहानियों पे। बंसी भैया, मिस्टर डालो आपके लिए ब्रेकफास्ट लाए हैं। ब्रेकफास्ट बात है मेरे भाई, क्या बात है, मौज कर दी आ रही था। बिल्कुल खा के देखो बंसी, आपके लिए शानदार पोहे लेके आए। शानदार पोहे यार, सुबह हम एयरपोर्ट से जा रहे थे तब आप आ रहे थे, क्या बात थी है? हम अंदर से घूम के आ रहे थे। तो हमको पागल बना रहे थे? हम बिल्कुल पागल नहीं बना था आपको, अंदर आने नहीं दिया था क्या? हमको अंदर नहीं दिया हमने।
अरे वो दो तीन थे आदमी, उन्होंने आने नहीं दिया। बंसी भैया एयरपोर्ट के बाहर ही रोक लिया यार। बंसी मुकाल नहीं है क्या आपका यार? फोन लगा देते अभी एंट्री हो जाती। मैं दो मिनट लेट हो गया, सिर्फ दो मिनट। बंसी भैया ने पूरे सांगानेर में जितने भी बैनर पोस्टर है सबकी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही थी। इनने सारे लगा दिए क्या? सब लगा के निरीक्षण भी कराए हैं, तभी लेट हो गया आप। अभी रात में सोई नहीं की हालत देख। हाँ यार, अभी बंसी आप ब्लॉग के अंदर दिखाएंगे कौन से बैनर पोस्टर लगाए हैं आपने, ठीक है ना? दिखाना दिखाना मेरे भाई, दिखाना। तो अभी आप क्या जाके सोओगे, नहाओगे, क्या करोगे? नहीं नहाना है, सोना कहाँ है, तो चलना है राहुल जी के साथ में। क्या बात है, क्या कंधे से कंधे मिला के। बंसी जी, क्या आप भी आज नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हो? बिल्कुल, दुकान खोलेंगे मेरे भाई, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। बंसी भैया, इस नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान पहले से खुली हुई है। बंसी जी, कैसा लग रहा है आपका ब्रेकफास्ट? बढ़िया है क्या? शानदार है मेरे भाई, बिल्कुल बढ़िया। और भाई तुम लोग कैसे सो रहे हो आज? अरे बहुत ही नींद आ रही है। नींद आ रही है क्या? तो साथ ही क्या करने लगे यार? तू यार सोने देना यार, तू यार भाई नाक में मार दिया। सॉरी सॉरी, फिर पागल हो गया तू यार, नींद में आ रहे हो। अरे मत लड़ो यार। तो साथियों, जैसा आप लोग देख सकते हैं अभी जो सुबह के 7:30 हो रहे हैं। तो बंसी, राहुल जी का प्रोग्राम कितने बजे है? 8:30 बजे। 8:30 बजे है ना? तो भाई तुम लड़ो मत, आधे घंटे पे सो जाओ, आधे घंटे ये तुम्हारे पास में। अरे क्या कर रहे हो ये? ठीक है साथियों, गुड नाइट। जन जन का स्वाभिमान है, जन सेवक ही पहचान है, है पुष्पेंद्र वो भारद्वाज, वो सांगानेर की शान है, वो सांगानेर की शान है। अपनी एक हस्ती है, लगन सेवा की मस्ती है, वो पक्का कांग्रेसी है, नहीं कोई अब अनजान है, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो सांगानेर की शान है। सभी जो सांगानेर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे बड़े भाई, वरिष्ठ जन, बहने, इन सबको तो प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों का अभिवादन करता हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का कि हमेशा की तरह एक आह्वान पे, एक छोटे से आह्वान पर आप लोग भारी तादाद में मुझे मजबूती देने के लिए आते हैं। और हमेशा मेरे दो शब्द आप लोगों को समर्पित रहते हैं कि मेरे इस संघर्ष के दौर में जो मेरे साथ पसीना बहा रहा है, वक्त आने पर मैं उसके लिए खून बहा के रख दूंगा आपको। और साथियों, आप सब जानते हैं पूरे 4.5 साल पौने 5 साल आज चुनावों को हो गए, और आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त मेरा जितना सामर्थ्य था मैंने आप लोगों के लिए हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा या नीरा, बताइए आप लोग। और आप लोगों ने भी मेरा तन मन धन हर तरीके से जब भी मैंने याद किया आप लोग ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ जुड़े रहे। और मैं तो ये मानता हूं कि मेरे जीवन का ये जो 4.5 साल का स्वर्णिम काल रहा है, हो सकता है मैंने सांगानेर विधानसभा में विकास के अभूतपूर्व खूब काम करवा दिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर हो सकता मैं आप लोगों को कुछ मदद नहीं कर पाया हूं, कुछ लाभ नहीं दिला पाया हूं। लेकिन आप मान के चलना, जिस दिन आपका भाई बेटा एमएलए मंत्री बनेगा, आप लोगों का ये कर्ज ब्याज ही चुकाऊंगा मैं। और ये तो मेरे जीवन पर कर्ज है, हर छोटे बड़े मेरे आह्वान पर इतने सैकड़ों हजारों की तादाद में आप सब पहुंच जाते हैं। मैंने 10 लोगों को भी फोन नहीं किया, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे को इतने दिल से चाहने वाले सैकड़ों हजारों की तादाद में है कि मेरे टीम के आह्वान पर, मेरे व्हाट्सएप के मैसेज पे,
मेरे टेलीकॉलर मैसेज पर आप लोग सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भैया। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार हम इतिहास बनाने जा रहे हैं सांगानेर विधानसभा की धरा पर। और इतिहास भी छोटा मोटा नहीं बनेगा, हजारों वोटों से हम लोग जीत करके विधानसभा में जाएंगे। और एक एक व्यक्ति पुष्पेंद्र भारद्वाज विधानसभा में नहीं जाएगा, एक एक मेरे को दिल से चाहने वाला व्यक्ति विधानसभा में जाएगा। आपके हक के लिए, आपके व्यक्तिगत काम के लिए किसी भी लेवल पर मुझे जाना पड़ा तो आप वक्त आने पर, समय आने पर देख लेना, आपका भाई पीछे नहीं हटेगा। अगर आप भाई को प्यार करते हो, स्नेह करते हो और चाहते हो कि भाई आपके लिए अपनी जान नौछावर रखे, तो पूरे ठेठ तक मेरे साथ चलेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपुरा से रिको एरिया सीमेंट रोड चमकाई है, नई सड़क काला बड़ वाली गली गली चमकाई है। युवा दिलों की धड़कन है, विकास का तूफान है, वो पुष्पेंद्र भारद्वाज है, वो सांगानेर की शान है। मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और पार्टी के जांबाज साथी, देश प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी जांबाज कार्यकर्ता साथी पदाधिकारी, सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, हजारों लाखों की संख्या में माननीय अशोक गहलोत जी का, जो राजस्थान की जनता को पौने पांच साल तक चप्पे चप्पे पे जो जनकल्याणकारी नीतियां, जो कार्यक्रम आप लोगों को दिए, गरीब को गणेश मान करके जो सेवा की, आज राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार आप सबके सहयोग से बनने जा रही है। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हम लोग आह्वान लेकर के जाएं, एक जोश लेकर के जाएं, एक विश्वास लेकर के जाएं। साथियों, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा मान सम्मान होगा, हमारी इज्जत होगी। और आज मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आप साथियों, आज यहां से एक विश्वास लेकर के ही जाइएगा कि इस बार कांग्रेस की सरकार, इस बार अशोक गहलोत चौथी बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों और बहनों,
आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आप दूर दूर से आए हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहाँ पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं। मतलब ढूंढो उसको, 6-7 घंटे लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर, यहाँ पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। हाँ तो वही दर्शन भट्ट, प्रोग्राम खत्म हो गया। कैसा लगा प्रोग्राम? काफी मजा आया। आज हमने सुना और सीखा चुनावी मंत्र। चुनावी मंत्र है। और साथ ही सबसे ज्यादा मजा इसलिए आया क्योंकि अपनी विधानसभा में प्रोग्राम हुआ था और इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी पापा पे ही थी और ये प्रोग्राम जब सक्सेसफुल हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। और मुझे अब लगता है कि इसी साल जो चुनाव आ रहे हैं अपने विधानसभा, तो अपने पुष्पेंद्र अंकल चुनाव जीत के दोबारा से नफरत के बाजार में बोल आगे बोल मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या वाह वाह वाह, क्या शानदार बात बोली तूने, शानदार बात बोली। चलो भाई अब चलते हैं अपन लोग, जब सब लोग चाह चुके हैं तो अपन लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, अपन यहाँ क्यों बैठे हैं? यहीं से चढ़ के चलो ना यार, शॉर्टकट है, सीधा रास्ता बाहर निकल। बिल्कुल बिल्कुल, कूदा फांदी करो, आओ करो कूदा फांदी करो। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कूदा फांदी कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ले भाई सुशील, यहाँ बगल के अंदर भीड़ उमड़ रही है भाई, देख के आते हैं भाई कौन है। देख के आते हैं भाई, देख सकते हैं सारे नेता लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ पे भीड़ लग रखी है जिस भीड़ में हम लोग नहीं घुसना चाह रहे हैं, है ना भाई दर्शन? भीड़ से ही आ रहे हैं, अभी दिमाग खराब हो रहा है ना, गर्मी लग रही है। दर्शन इन पुलिस वालों के सामने जाके कुछ ऐसा कर दे गैर कानूनी की, तेरे को उठा के ले जाए इतने सारे। पापा का तो ये कहना है मेहनत करिए, पूरे 5 साल मेहनत सब लोगों को दिख रही है और यहाँ पे जनता जो आपके सामने खड़ी है वो तो जानती है कि किसको जिताना है इस बार। ये जो मेहनत कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसे वो जिताना चाहिए लोगों को, क्योंकि जो कार्यशील आदमी होगा वही अपने देश में उन्नति के रास्ते में लेकर आ लो भाई। प्रोग्राम कर कुरा के आ गए हैं मतलब, और गाड़ियां बैठ चुके हैं। अभी पापा से ही पूछेंगे भाई कैसा लगा प्रोग्राम, भाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत तो ऐसे क्या फंस फंस के क्या बैठे हो अभी सूट केस के साथ? क्या करे, एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा भाई, सभी को साथ लेके चलना है। क्या आते समय तो सब लोग जोश जोश में पैदल आ गए, अब जाते समय दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो पापा मेरे को इसी बात की हुई कि आपको इस काबिल समझा कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई आज। देखो ये तो सामूहिक जिम्मेदारी थी सभी की, लेकिन हाँ मेरे ऊपर विश्वास रहता है कि मैं अच्छे कार्यकर्ताओं को लाऊंगा, साथियों को लाऊंगा और भारी तादाद में लाऊंगा। चलो बढ़िया बात है, अब पापा तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और मैं बैठ के यहाँ पे जल्दी से क्लिप्स वगैरह निकाल के न्यूज़ में भेज देता हूँ तुरंत ही। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, देख सकते हैं मैंने आज ही व्लॉग डाल दिया है, मतलब आज सुबह ही प्रोग्राम हुआ और शाम को ये व्लॉग अपलोड हो चुका है, तो मैंने तो बस घर आने के बाद में तुरंत ही काम चालू कर दिया था व्लॉगिंग का। और देखो इस बार पापा को अपने को जरूर से जिताना है क्योंकि पापा ने 10 साल बहुत मेहनत की जनता के लिए और अब आप लोगों का समय आ गया है कि आप लोग मेरे पापा के लिए मेहनत करें और मेरे पापा के साथ लगे। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि पापा जब किसी को भी बुलाते हैं तो इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं और इतना अच्छा समर्थन दिखाते हैं, इतना प्यार करते हैं पापा से, मतलब जितना प्यार पापा लोगों को दे रहे हैं उतना रिटर्न में ही मिल रहा है पापा को, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और बाकी आप सभी लोगों को 5 अक्टूबर को मेरे जन्मदिन पर आना है, अपन लोग एक बहुत शानदार मीटअप रख रहे हैं, वहाँ पर अपन सब लोग साथ में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो 5 अक्टूबर डेट को कैलेंडर के अंदर आप लोग जो है लगा लेना, अपन जयपुर के अंदर ही मीटअप करेंगे। अब कहाँ करेंगे एग्जैक्ट मैं आपको लोकेशन थोड़े समय बाद बताऊंगा, लेकिन 5 अक्टूबर को होगा और जयपुर में होगा, तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट व्लॉग में, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ तो सो जाता हूँ मैं, और अब भोलेनाथ जी का अगर आशीर्वाद रहा अपने ऊपर तो इस बार अपन लोग विजय हासिल करके विधानसभा के अंदर भेजेंगे मेरे पापा को। धन्यवाद।